News 18, India. पहले ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार को बहुत ही भयानक हादसा हुआ, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई और एक के बाद एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई, करीब 200 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी राहत और बचाव कार्य खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह विस्फोट इतना ज्यादा भयानक था कि आसपास के इलाके में बने घर भी खंडहर में तब्दील हो गए। धमाके से लोगों को एक तकड़े भूकंप का एहसास भी हुआ। अभी भी वहां पर मलबे के अंदर से धुआं उठता हुआ दिख रहा है, तस्वीरें आप देखिए। और यहां पर जो मालिक है उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, कड़ी कार्रवाई होगी ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा भी है, लेकिन अभी भी मलबे से धुआं उठ रहा है, चारों तरफ मलबा फैला हुआ है। और जैसे भूकंप के समय कंपन महसूस होती है, वैसे ही कंपन महसूस हुई, क्योंकि उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में लोग परेशान हुए और कई लोग घायल भी हुए हैं। धुआं है इस तरह से, ये घर के अंदर भपक रहा है, धधक रही है आग। आप देख सकते हैं पीटी के अंदर से जो धुआं है वो निकल रहा है, और ये किचन है इस मकान का, किचन का क्या कुछ हालात है ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे सांस लेना भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। जब ब्लास्ट हुआ तो तबाही का क्या आलम था भैया? बहुत खतरनाक आलम था, देखता नहीं सकता सर, कोई देख नहीं पाता। तस्वीरें वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं, जो गृहस्थी है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। 1 किलोमीटर तक इस ब्लास्ट का असर था ये बताया जा रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मकान है वो कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो बाइक है वो भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये फैक्ट्री कैंपस के अंदर की बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये फैक्ट्री के बाहर जो मकान बने हुए थे वहाँ का ये सूरत हाल है। और आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने यहाँ पे बम बॉम्बार्डिंग की है। बम बॉम्बार्डिंग के बाद यहाँ पे इस तरीके का आलम जो है वो यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देखिए कि सीलिंग जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, यहाँ पे घर के जो मकान का जो पूरा मकान, पूरी की पूरी जो गृहस्थी है वो तबाह हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे सिलेंडर भी फटा है, यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ था, जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ होगा तो इस सिलेंडर तक भी जो आँच है वो आई होगी, और जिसके चलते सिलेंडर भी फट गया। घर का फर्नीचर हो, गैस हो, अलमारी हो, ये सारी चीजें यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। तो आपने तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। हम आपको बता दें कि अभी भी हरदा में फैक्ट्री के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। यहाँ पर जो है गोडाउन था, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, जहाँ और जहाँ मैनेजर वगैरह सभी अधिकारी वगैरह जो थे जहाँ पर बैठते थे, जो काम करने वाले, जो तलघर है इसके नीचे बहुत से लोग दबे होने की आशंका है। इसमें कहाँ पर है वो जगह? हाँ, ये तलघर है, जहाँ की जगह है, इतना लंबा है वो, बहुत लंबा। इसका भी मलबा हटाया नहीं गया है, इसका और लाशें मिलने की उम्मीद है इसमें। अच्छा, ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर है? हाँ है, इसमें है इसमें। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, 60 घर तबाह हो चुके हैं, 200 लोग जख्मी हुए हैं, 11 की मौत हुई है, और ये तस्वीरें दर्दनाक हैं। और बेहद दर्दनाक तस्वीरों के बीच लोग परेशान हैं अपनों को लेकर। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ ये धमाका हुआ है, आप समझिए कि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और कैसे यह हादसा हुआ है और कैसे लोगों पर यह कहर टूटा है यह भी आपको बताते हैं। बिल्कुल, मंगलवार सुबह 11:15 बजे फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में 100 से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे थे। आग लगने से फैक्ट्री में भगदड़ मच गई, कई महिलाएं भागते वक्त फैक्ट्री में फंस गईं। आग इतनी बड़ी थी कि सेना को बुलाया गया, और उसके बाद आग से फैक्ट्री में एक के बाद एक बड़े 4 धमाके हुए। धमाकों से आसपास का इलाका थर्रा गया। फैक्ट्री के पास बने मजदूरों के घर खंडहर में तब्दील हो गए। करीब 60 घरों में पटाखे और विस्फोटक रखे हुए थे। आसपास के घरों में भी आग लग गई। हादसे में करीब 200 लोग जख्मी हुए। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये धमाका होता है। और अभी भी चिंता की बात यह है कि लोग मलबे में फंसे हुए हैं और अभी भी धुएं का गुबार उठ रहा है, मलबा वहां पर पड़ा हुआ है। 60 घर तबाह हो गए हैं, उनके अपने चले गए हैं, और किसी को मालूम ही नहीं चला कि अचानक से हुआ क्या। धमाका काफ़ी तेज था, तो फैक्ट्री में जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। इसके आसपास का जो 2 किलोमीटर का इलाका है वहां पर भी लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग जख्मी हुए हैं। और सीधा वासु का रुख कर लिए, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वासु, क्या अपडेट है, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ लोग लापता भी हैं?
बिल्कुल देखिए, बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो लापता हैं और जिस तरह से कल ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि 24 घंटे करीब होने को आए हैं इस पूरे हादसे को और अभी भी आपको यहां पे वाटर कैनन्स जो हैं वो चलती हुई नजर आएंगी। कई जिलों का जो दमकल का अमला है, फायर ब्रिगेड का अमला है, वो मौके पर पहुँचा हुआ है और लगातार इस पूरे मलबे को, इस पूरे बारूद के ढेर को ये कहें तो भी गलत नहीं होगा, ठंडा करने की जो कोशिश है वो की जा रही है और यहाँ पे रह रहे के जो धुआं है वो उठ रहा है क्योंकि यहाँ पे कई तहखाने बने हुए थे जिसमें जो बारूद है वो रखा हुआ था फटाके बनाने के लिए और उसको पूरी तरह से नष्ट करना बेहद ज़रूरी है ताकि और भी जो धमाके हैं वो ना हो। लेकिन इस सबके बीच बड़ी दुखद खबर ये है कि यहाँ के जो आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, उन्होंने बातचीत में बताया है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग जो हैं वो अभी भी अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। जब धमाका हुआ उस वक्त कैसी यहाँ पर स्थिति थी और अभी तक 12 लोगों की करीब करीब पुष्टि हुई है जो अब नहीं रहे, आपको क्या लगता है कि संख्या इतनी है या और भी ज़्यादा हो सकती है, लोग फंसे हुए हो सकते हैं? देखिए, कल का जो 7 फरवरी का जो दिन था वो हृदय के लिए बहुत ही दुखद घटना घटी है ये, और जिस हिसाब से जो प्रशासन जो आंकड़े दे रहे हैं वो बहुत ही गलत है, वो सही नहीं है। कम से कम 250 लेबर की शिफ्टिंग में, 250 लेबर की शिफ्टिंग में यहाँ पे वो मजदूर काम करते थे और बारूद का स्टॉक प्रशासन के इतने नाक के नीचे जो रखा गया है उन्होंने, तो ये तो मतलब अब इसको क्या कह सकते हैं भाई, ये इन्होंने क्योंकि आप वहाँ मौजूद चश्मदीद से बात कर रहे हैं, जरा इनसे एक सवाल और ले लीजिए, पूछिए जरा कि अभी ये चश्मदीद ने न्यूज 18 इंडिया पर ये कहा बातचीत में कि कुछ और लोग फंसे हुए हैं, कुछ तहखाने बने हुए हैं, जहाँ तक तो अभी पहुंचा ही नहीं है प्रशासन, क्या कुछ ऐसा है, कुछ लोग और फंसे हैं? अब बिल्कुल देखिए, इनको इसी बात की अनुमान जो है ये पूछना चाह रहे हैं हमारे जो सहयोगी हैं कि क्या कुछ और लोग यहाँ पे अभी दबे हुए हो सकते हैं इस पूरे मलबे के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, जो मलबे में बहुत से लोग दबे हो सकते हैं और वो भाग नहीं पाए, जो विस्फोट जो हुआ उसके कारण वो भाग नहीं पाए, उनको अवसर ही नहीं मिला कि वो बाहर निकले उससे, और इसमें बहुत से लोग जो आजू बाजू के जो हैं वो भी बहुत आहताहत हुए हैं इसमें। जी, ये महत्वपूर्ण बात है और मैं इसकी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फैक्ट्री के कैंपस के आसपास जो घर बने हुए थे वो दीपक आपको जूम करके दिखाएंगे, उनकी वहाँ पर कितनी बुरी हालत है, वो कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, तो ना सिर्फ जो लोग फैक्ट्रियों के अंदर थे बल्कि जो घरों के अंदर थे, जो इस कैंपस से लगी हुई कॉलोनी है और रहवासी क्षेत्र वहाँ पर जो लोग थे उनको भी बुरी तरह से चोट आई है, वो भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। अभी एक जो एक बूढ़ी यहाँ पे अम्मा थी उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर बताया कि उनके बेटे और बहू घर में मौजूद थे, उनकी वहाँ पर मौत हो गई और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अब बेसहारा कहीं ना कहीं हो चुके हैं। तो इस तरीके के एक परिवार नहीं है, अनेक परिवार हैं और ये जो दर्द की दास्तां है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि लगातार अब भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और लोगों की खोजबीन जो है वो जारी है, जो लोग अब तक लापता हैं और बड़े पैमाने पर लोग इस पूरे हादसे में प्रभावित हुए, घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों में घायलों की संख्या है और अब तक मैं आपको बता दूं कि 300 से 400 गाड़ियां जो हैं दमकल की, फायर ब्रिगेड की, जो अमला है वो यहां पर मौके पर पहुंच चुका है और गाड़ियां आती हैं, आग बुझाने की कोशिश करती हैं और फिर पानी खत्म हो जाता है तो फिर वो दोबारा रिफिल करने के लिए पहुंचते हैं। ऑपरेशन में वासु अपनी दिक्कतें हैं लेकिन 60 घरों की जमा पूंजी जिंदगी भर की चली गई, उनके अपने खो गए हैं और हरदा के पटाखा फैक्ट्री हादसे में करीब 200 लोग घायल भी हुए हैं। 174 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया जिसमें से 34 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम रेफर किया गया है। रेफर किए गए एक मरीज की मौत हो गई, 10 लोगों की मौत मौके पर हो गई थी। वहीं हरदा में लोगों का इलाज करने के लिए भोपाल, इंदौर, बैतूल और नर्मदापुरम से डॉक्टर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे लेकिन दर्दनाक हादसा है, जांच होगी, जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तत्काल कार्रवाई तो यहां पर की गई है लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। और इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। हरदा पटाखा फैक्ट्री आग मामले में फैक्ट्री के जो संचालक है राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, दोनों को गिरफ्तार किया गया और दोनों के साथ में रफीक खान उर्फ मन्नी भी गिरफ्तार हुआ है। रफीक खान के बारे में आपको बता दें कि रफीक खान कांग्रेस पार्षद सईद खान का भाई है। पुलिस टीम द्वारा सारंगपुर से गिरफ्तार इनको किया गया और खबर ये थी कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उससे पहले इनकी गिरफ्तारी। इन दो लोगों को हमने कस्टडी में लिया है जो कि इनके नाम से वो वहाँ संचालन था, सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल। कहाँ से गिरफ्तार? सारंगपुर से इनको
कस्टडी में लिया। लगातार बने हुए हैं वासु, आप ये बताइए, आपने कहा कि जो दमकल की गाड़ियां पहुंच रही हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं, पानी खत्म हो जा रहा है, इस वक्त ग्राउंड पर रेस्क्यू की कितनी टीमें मौजूद हैं, क्या अभी भी सेना वहां पर है? बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हुई हैं। 1000 से ज़्यादा का फोर्स जो है वो यहां पर लगा हुआ है। आप चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन का बल, पुलिस प्रशासन का बल, आसपास के जिलों से जो टीम्स आई हुई हैं, सेंट्रल से जो टीम डिप्लॉय की गई है, ऐसे कुल मिलाकर करीब 1000 लोग इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मलबे को समेटा जा सके और सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरा किया जा सके। यहाँ पे जगह जगह जो फटाके हैं, जो बम हैं, वो आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे, बिखरे हुए नजर आएंगे और इसी बारूद के ढेर में से अगर कोई वहाँ पर फंसा हुआ है तो उस तक पहुँचने की भी जो टीम्स की कोशिश है वो लगातार जारी है और बहुत चुनौतीपूर्ण ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब तक रहा है, अब तक नजर आया है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स के साथ तमाम जो बड़ी मशीनें हैं, पोकलेन हो, जैसी भी हो, ये सारी मशीनें जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं, काम करने में जुटी हुई हैं। अब उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इस पूरे भीषण हादसे में कम से कम लोगों की जान जाए, जो एक अनुमानित आंकड़ा है जो बहुत ज्यादा आगे निकलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। आधिकारिक पुष्टि जो है हालांकि अभी नहीं हुई है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर जान माल की हानि का जो नुकसान है वो यहां पर संभवतः हो सकता है, तो वो कम से कम कैजुअलिटी हो ये जरूर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और जो लोग घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इस वक्त इलाज जारी है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वो किसी तरह से रिकवर कर सकें, तो ये फिलहाल जो कुछ है वो बेहतर इस पूरे हादसे में हो सकता है। लिहाजा मध्यप्रदेश की सरकार ने मृतकों के लिए और के जो परिजन है उनके लिए जो मुआवजा राशि है, जो राहत राशि है, उसकी यहाँ पर घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन जिन्होंने अपने को खोया है, जिनके घरों के चिराग बुझ चुके हैं, उनका दर्द समझना, मुआवजे की राशि घोषित कर दी गई है, लेकिन यहाँ ये समझना होगा उन लोगों का दर्द कोई नहीं समझ सकता जिन्होंने अपनों को खोया है। 60 घर प्रभावित हुए और बताया गया कि आसपास के जो घर हैं वहां तक मलबा रखा गया था अवैध रूप से और इसीलिए वो घर तक इसकी जद में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका।